आज के वीडियो में मैं आपको HDPE पाइप के ओवलिटी के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ओवलिटी एक बहुत सुंदर शब्द है। पहले तो ओवलिटी आपको समझना होगा कि ओवलिटी क्या है। ये जो पाइप है ये पूरी तरह से राउंड होता है, गोल होता है, लेकिन ये किसी कारण से ट्रांसपोर्टेशन से ये क्या होता है, थोड़ा चिपट जाता है या दब जाता है तो ओवल हो जाता है। तो पाइप को ओवल नहीं होना चाहिए, ओवलिटी उसी को बोलते हैं, राउंड होना चाहिए। अगर ये ओवलिटी है तो कितनी होना चाहिए, ये ओवलिटी जो है कितना परसेंट तक अलाउ है, mm में कितना mm तक अलाउ है, तो ओवलिटी कैसे चेक करते हैं, इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये 90 mm का HDPE पाइप है। एज पर IS 4984 के हिसाब से ये मैन्युफैक्चरर होता है। और इसमें ओवलिटी चेक करने का फार्मूला क्या है, मैक्सिमम आउटर डायमीटर। जो पाइप का नॉमिनल डायमीटर होता है वो आउटर डायमीटर ही होता है, तो मैक्सिमम आउटर डायमीटर माइनस मिनिमम आउटर डायमीटर, जहां पर सबसे ज़्यादा इसकी आउटर डायमीटर है वहां मेजर करेंगे और जहां सबसे कम है दोनों को माइनस कर देंगे तो ओवलिटी mm में निकल आएगा। ये ओवलिटी 3 mm से 5 mm या 6 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, अगर हम mm में देखें। इसी को हम परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, जैसे ये पाइप है आप देखिए, तो mm में सबसे पहले देखेंगे तो इसकी जहाँ पर मैक्सिमम डायमीटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए ये इधर जो है मैक्सिमम कितना है, ये आ रहा है 99 तक आ रहा है, देखिए 99 mm मैक्सिमम ओडी इसकी 99 mm है। अब इसकी मिनिमम ओडी इधर दबा हुआ है पाइप, जिस डायरेक्शन में पाइप दबा हुआ है तो उधर क्या है ओडी होगी मिनिमम, ये देखिए कितना है 78 है, 78 mm है। तो कितना हो गया 78 98 माइनस 78, इसकी ओवलिटी बहुत ज़्यादा है, कितना हो गया लगभग 20 mm ओवलिटी है इसकी। ये पाइप जो है पूरी तरह से दबा हुआ है, इतनी ओवलिटी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा 6 mm मैक्सिमम ओवलिटी हो सकती है। अब इसी को परसेंटेज में अगर हम निकालते हैं तो मैक्सिमम आउटर डायमीटर माइनस मिनिमम आउटर डायमीटर डिवाइड बाई नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर इसका क्या है 90 mm है, तो जो भी ओवलिटी आया है जो दोनों को माइनस किया, आउटर डायमीटर, आउटर मैक्सिमम डायमीटर माइनस आउटर मिनिमम डायमीटर हमारा कितना आया 20 mm आया, डिवाइड बाई 90 इसका जो है नॉमिनल डायमीटर है तो डिवाइड बाई 90 करेंगे इंटू 100 करेंगे, ये ओवलिटी परसेंटेज में आ जाएगी। और जब परसेंटेज में ओवलिटी हम निकालते हैं तो ज़्यादा 3% से ज़्यादा ओवलिटी अगर होती है, 3% तक ओवलिटी ठीक मानी जाती है, 3% ज़्यादा 5% है 8% है, 5% में ऊपर जितना ज़्यादा ओवलिटी आती है वो ठीक नहीं मानी जाती है, उतना ओवलिटी नहीं होना चाहिए। तो मित्रों एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूँ, ओवलिटी चेक करते समय पाइप का जो इंड पोर्शन है उससे 300 mm छोड़कर ही ओवलिटी टेस्ट करना चाहिए। 300 mm मतलब एज में, पाइप के कटिंग एज में ओवलिटी टेस्ट नहीं होता है, 300 mm छोड़कर ही ओवलिटी टेस्ट होता है। तो मित्रों आज के वीडियो में मैंने आपको HDPE पाइप के ओवलिटी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल में बने रहिए। धन्यवाद।